गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर थ्री लेसन नंबर थ्री इज सिनोनियम्स सिनोनीम्स मीन्स सेम मीनिंग हम जो वर्ड मीनिंग्स करते हैं वो का सेम मीनिंग आपको दिए हुए हैं तो आपको एक्सरसाइज करनी है जैसे फ्लॉक फ्लॉक का सेकेंड मीनिंग क्या होता है फ्लॉक इज ऑल्सो कॉल्ड हर्ड जो ग्रुप होता है एनिमल्स का उनको फ्लॉक कहते हैं बर्ड्स के एनिमल बर्ड्स uh, के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड कहते हैं सो so, इसी तरह आपको इसके सेम मीनिंग खुद से फाइंड आउट करके लिखने हैं नाउ नेक्स्ट लेसन लेसन नंबर फोर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि वाक्यांशों का एक शब्द लिखना आपको एक uh, uh, शब्द का पूरा एक्सप्लेनेशन दी होती है सेंटेंस फॉर्म में आपको उसका वन वर्ड लिखना होता है ना टू थिंक दैट समथिंग इज ट्रू और रियल तो ऐसा सोचना कि कुछ चीज़ सही है रियल है उसको हम क्या कहते हैं बिलीव कि हम उस पर विश्वास करते हैं द एक्शन ऑफ अलाउंस अलाउइंग समवन टू डू समथिंग किसी को अलाउ uh, करना कि तुम ये काम करो दैट इज परमिशन अ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स एक रनर्स के लिए जो गार्डन में या पार्क में सर्कुलर पाथ होता है उसे हम कहते हैं ट्रैक इन अ वे दैट शोज समवन इज़ नॉट एक्साइटेड नर्वस और अपसेट सो ऐसा इस तरह का आ, शो करना कि कोई एक्साइटेड नहीं है नर्वस नहीं है या फिर कोई उदास नहीं है दैट इज सिट कामली शांति से अ वे टू डेस्टिनेशन अपनी मंजिल तक पहुँचने का रास्ता दैट इज़ रूट अ पर्सन हु हंट्स वाइल्ड एनिमल्स सो जो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करता उसे है उसे हंटर बोलते हैं अ सीट विदाउट अ बैक और आर्म ऐसी सीट जिसका बैक और आर्म नहीं होते हैं ट इज स्टूल मोर देन इनफ मतलब बहुत होना एम्पल द कलर ऑफ व्हाइट एंड रेड मिक्स टूगेदर मिक्सड व्हाइट और रेड को मिक्स करने पर कौन सा कलर बनता है पिंक अडक्ट समल्ड कैप्टिव मतलब किसी को uh, जबरदस्ती पकड़ के बिठा देना या फिर उसको uh, छुपा देना दैट इज किडनेप अरेज प्लेटफॉर्म वेयर एक्टर्स परफॉर्म तो एक ऊंचा प्लेटफॉर्म जिसपे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं उसे स्टेज कहते हैं अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट सम समवन और ऐसा मॉडल स्ट्रक्चर जो किसी को रिप्रेजेंट करता है दैट इज एफिजी जो पुतले बनाए जाते हैं रावण मेघनाथ के देवर कॉल एफिजीज एन ओपन व्हीकल विद टू व्हील्स पुल्ड बाय हॉर्सेस एक ऐसा खुला व्हीकल uh, जो दो व्हीकल से दो व्हील्स से, से चलता है और हॉर्सेस उसे खींचते हैं जिसे हम रथ कहते हैं दैट इज चैरियट अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर देयर इज नो वॉर तो जब कोई भी वॉर नहीं होती है लड़ाई झगड़ा नहीं होता बिल्कुल शांति होती है उसे हम पीस कहते हैं अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर तो आपके साथ में रहने वाले आपके नेक्स्ट डोर रहने वाले या फिर पास में रहने वाले लोगों को हम नेबर कहते हैं अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर तो एक छोटा सा वाटर बॉडी जो जिसमें ठहरा हुआ पानी होता है दैट इज पॉन्ड तालाब भी होते हैं जैसे तालाब लैकिंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट मतलब बेवकूफी वाला काम करना फुलिश वन बहुत ज्यादा बात करता है दैट इज चैटर बॉक्स फीलिंग फीयर डर लगना दैट इज अफ्रेड नेक्स्ट पेज अ बिल्डिंग वेयर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर एंड एग्जिबिटेड तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर स्पेशल uh, ऑब्जेक्ट जो पुरानी चीजें होते हैं उन्हें स्टोर किया जाता है और एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है उसे हम म्यूजियम कहते हैं अटॉल नैरो बिल्डिंग लंबी और नैरो बिल्डिंग मतलब बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती है वो दैट इज कॉल्ड टार अ प्लेस वेयर पीपल सिट टू ईट मील्स दैट आर कुक्ड देयर तो एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग खाना खाने जाते हैं और वहीं पर खाना बना के सर्व किया जाता है दैट इज रेस्टोरेंट अ जर्नी और एक्सकर्शन तो कहीं पर घूमने जाना कोई ट्रिप करना दैट इज ट्रिप कहीं घूमने जाना अ कंट्री अदर देन ओन्स कंट्री अपनी कंट्री के अलावा कोई दूसरी कंट्री फॉरन कंट्री कहलाती है अ पर्सन हु और ग्रुप विच अटैक्स अ प्लेस तो कोई भी इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल जो दूसरी जगह पर अटैक करते हैं उन्हें हम इन्वेडर कहते हैं वंस नेटिव कंट्री अपनी खुद की कंट्री मातृभूमि दैट इज मदरलैंड लव फॉर वंस कंट्री अपनी ही कंट्री के लिए प्यार होना दैट इज़ पेट्रोटिज्म देशभक्त होना अजेंटल विंड एक ऐसी हवा जो हमें अच्छी लगती है बहुत दैट इज कॉल्ड ब्रीज अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन में कई बार आप बहुत उदास होते हैं और वो फीलिंग को उस स्टेट को हम ग्लूम कहते हैं टू आस्क फॉर एडवाइस और हेल्प किसी की हेल्प मांग रहा दैट इज सीक इन अ कम्फर्टेबल वे बहुत आरामदायक होना कंफर्टेबली द डिजायर टू नो अबाउट समथिंग कुछ जानने की इच्छा रखना दैट इज अ प्लेस फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ पीपल ऑफ क्राइम तो ऐसी जगह जहाँ पर लोग क्रिमिनल्स को रखा जाता है जिन्होंने क्राइम किया होता है दैट इज जेल अ प्लेस विद टेम्पररी अकोमोडेशन ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परिरीली रहा जाता है दैट इज कैंप अट हैंडेड फार्मिंग टूल एक छोटा सा फार्मिंग uh, टूल होता है जिसे हम सिकल कहते हैं खेती में इस्तेमाल होता है वो लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड मतलब बहुत पुराना बहुत पहले से ही स्थापित की हुई जो चीज़ होती है दैट इज ट्रेडिशनल अ लाउड क्राई ऑफ एंगर एंड फियर डर के मारे गुस्से के कारण जो चीखना चिल्लाना होता है दैट इज स्क्रीम अ जनरल पोजिशन टू वर्ड्स विच अ पर्सन और थिंग मूव तो किसी भी एक डायरेक्शन में जब कोई चीज़ मूव करती है पोजिशन में मूव करती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन दिशा अ पर्सन हु शोज द वे टू अदर सर तो कोई भी इंसान जो दूसरों को रास्ता दिखाता है उसे हम गाइड कहते हैं द बिलीव एंड वर्शिप ऑफ अ पर्सनल गॉड तो अपने पर्सनल गॉड अपने रिलीजन uh, को फॉलो करना दैट इज़ किसी एक भगवान को मानना उनको वर्शिप uh, करना दैट इज कॉल्ड रिलीजन अ फीलिंग ऑफ अमेजमेंट मतलब uh, बहुत चीज uh, किसी को चीज़ को देखकर सरप्राइज उजरना दैट इज वंडर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर पेपर के या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े दैट इज कॉल स्क्रैप्स अ पावरफुल इफेक्ट किसी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होना पावरफुल इफेक्ट होना असर होना देट इज इम्पैक्ट शाइनिंग ब्राइटली अच्छे से ब्राइटली शाइन करना दैट इज ग्लीमिंग टू से और थिंक दैट सम वन डेड समथिंग रॉन्ग किसी को कहना या समझना कि इसने गलत किया दैट इज़ टू ब्लेम अदर्स को इल्ज़ाम लगाना तो आज यहीं तक ही करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाय चिल्ड्रन हैव अ नाइस डे